एक्टर सतीश कौशिक की मौत को लेकर एक चौंका देने वाला दावा सामने आया है। फरार कारोबारी की पत्नी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मेरे पति ने सतीश कौशिक को 15 करोड़ के लिए मार डाला है। क्या बॉलीवुड अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर है? क्या मर्डर या सतीश कौशिक के ही एक दोस्त ने 15 करोड़ रुपए के लिए लेन देन के विवाद में किया है? दिल्ली पुलिस ने बताया कि सतीश कौशिक की मौत के मामले में एक महिला द्वारा रुपयों के लेन देन में धोखाधड़ी के आरोपों की जांच शुरू कर दी गई है। दक्षिण पश्चिम जिले के एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को पूरे मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। पुलिस द्वारा जल्द ही शिकायतकर्ता महिला को उसके बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाएगा। जानकारी के अनुसार सतीश कौशिक की रहस्यमय मौत के बाद फार्म हाउस के मालिक विकास मालू की पत्नी सानवी मालू ने शनिवार को अपने ही पति पर कई बेहद संगीन आरोप लगाए थे। सानवी ने कहा था कि विकास मालू और सतीश कौशिक के बीच लंबे समय से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा चल रहा था। पिछले साल दुबई में भी उन दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। झगड़े के बाद ही विकास ने सतीश कौशिक की मौत की प्लानिंग शुरू कर दी थी। सानवी ने आरोप लगाया है कि विकास ने उससे कहा था कि वह एक दिन सतीश कौशिक के लिए रशियन लड़की को बुलाकर उन्हें ब्लू पिल्स की ओवरडोज देकर मार देगा। सानवी का आरोप है कि विकास के फार्म हाउस पर अक्सर ऐसी पार्टियां होती रहती थी जहाँ लड़कियां बुलाने के साथ ही ड्रग्स एवं अन्य नशे का सामान आता था। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उस फार्म हाउस से कुछ दवाइयां बरामद की थी जहां सतीश कौशिक एक पार्टी में शामिल हुए थे। पुलिस ने बताया कि फार्म हाउस से लगे सीसीटीवी फुटेज को भी जब्त करके जांच की जा रही है। गौरतलब है कि फिल्म मेकर 66 वर्षीय सतीश कौशिक का गुरुवार को दिल्ली में कथित तौर पर तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वह दिल्ली में होली मनाने के लिए आए हुए थे। सतीश कौशिक दिल्ली में एक दोस्त के घर पर थे, तभी उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अपने ड्राइवर से उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा। देर रात करीब 1 बजे गुरुग्राम के एक अस्पताल ले जाने वक्त दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। कौशिक का पोस्टमार्टम दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में किया गया था। फिल्मी जगत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल फिल्मी बौछार को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो शेयर, लाइक एंड कमेंट करें।